नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। ये आप देख रहे हैं एमार्टिन ब्रिज का दृश्य, और ये इसके ठीक पास जो मेट्रो कॉरिडोर जो बन रहा है, ये उसके सेगमेंट आपको दिख रहे हैं जिन्होंने तीन पिलर्स को अब कवर किया है, और अब तीसरे और चौथे पिलर्स के बीच के हिस्से में जो है वो सेगमेंट अब कास्ट किए जाएंगे। इसके लिए GSS सिस्टम जो है वो ये लगा दिया गया है। नीचे बिल्कुल मजबूत सीमेंट कंक्रीट का बेस बना हुआ है, इसके पैनल रखे हुए हैं, और अब ये जल्द ही आपको तीसरे से चौथे पिलर के बीच में भी सेगमेंट दिखाई देने लगेंगे दोस्तों। ये आप देख रहे हैं, और मुझे लगता है ये 4 से 5 दिन में ये काम चालू हो जाएगा। क्रेन के माध्यम से दोस्तों सेगमेंट को ऊपर तक लाया जाएगा यहाँ पे, और फिर उसे फिट किया जाएगा, और फिर उसकी स्ट्रेचिंग करके उसे आपस में जोड़ दिया जाएगा, जैसे कि आपको ये दूसरे जो आपको सेगमेंट दिख रहे हैं बिल्कुल जुड़े हुए हैं ये। और इसके ठीक पास दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये ISPT मेट्रो स्टेशन का काम भी अब गति पकड़ने लगा है। आप देख रहे हैं जो इसकी जो फाउंडेशन वर्क है वो काफ़ी कुछ हो गया है। ये बड़े बड़े जो ये गड्ढे ये किए गए हैं मेट्रो स्टेशन के बेस के लिए, और मेट्रो स्टेशन कहाँ पे कैसी कैसी डिज़ाइन के होंगे दोस्तों, इसके लिए मैंने अलग से वीडियोज़ आपको बना के पहले ही आपको दिखाए हैं। आप मेरे, और यदि आपने नहीं देखे हो तो पिछले वीडियोज़ भी आप मेरे देख सकते हैं। और ये मेट्रो स्टेशन की जो सीमा के बाद आपको ये लॉन्चर भी दिखाई दे रहा है। लॉन्चर हालांकि अभी 2-3 दिन से खामोश है, अभी कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अगले पिलर की जो तैयारियां हैं वो अभी चल रही हैं दोस्तों। तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि अगली बार जब लॉन्चर से जो सेगमेंट फिटिंग का काम हो तो वो भी मैं आपको दिखाऊँ। तो ये कुछ अपडेट था, ये आप देख सकते हैं। आज हालांकि लेबर डे है, संडे है, तो आज लेबर ज़्यादा काम नहीं कर रही है, लेकिन कल से यह काम जो है वो फिर गति पकड़ेगा। तो दोस्तों फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।